लो ना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, अखिया के राहे तस्वीर तो हर, अखिया के राहे तस्वीर तो हर, दिल में उतारत रही। संक्षेप में सर, आपसे जानना चाहेंगे जो आपकी आने वाली फिल्म है इश्क कयामत, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इश्क कयामत प्यार मोहब्बत से लबरेज उसको कहेंगे, प्यार मोहब्बत की गहराइयों को, प्यार मोहब्बत में जो समस्याएं आती हैं और प्यार मोहब्बत में जो होता है, उन सभी विधाओं को, उन सभी कार्यकलापों को, उन सभी भावनाओं को, भावनाओं की गहराइयों को छूती हुई ये फिल्म है और लोगों को पसंद आएगी। ये जो कॉम्बिनेशन जो आपने डाला है भोजपुरी और छत्तीसगढ़ का, ये कैसे ख्याल आया कि इस तरह से हमको एक मूवी बनाना चाहिए? देखिए, बहुत बार ऐसा प्रयोग हुआ है और सफलता भी मिली है। एक फिल्म आई थी जिसमें भोजपुरी लोग जो थे वो आपको बंगाली फिल्मों के थे, और पिक्चर सिल्वर जुबली हुई थी, कुणाल भैया उसमें काम किए थे। हिंदी फिल्मों में भी देख लीजिए कि कमला हसन और रति गहोत्री जी की फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, वो डायमंड जुबली पिक्चर है। तो छत्तीसगढ़ का जो व्यक्ति है, सुपरस्टार है, ऐसा नहीं है कि उसे भोजपुरी में लोग पसंद नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में स्टार है वो भोजपुरी में भी अपना स्टारडम दिखा सकता है, और बहुत ही उम्दा किस्म का कलाकार है। तो मुझे लगता है कि जो लोग फिल्म देखने जाएंगे उनको हमारे इस कॉम्बिनेशन पे नाज होगा, उन्हें अच्छा लगेगा कि अच्छा काम किया। और क्या कुछ नया मिलेगा जनता को जब फिल्म ये देखने जाएंगे आप? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है अश्लीलता नहीं मिलेगी, पूर्ण मनोरंजन मिलेगा। आप सब परिवार देख सकते हैं मोहब्बत में क्या होता है, मोहब्बत कितनी गहराई है, कितनी बुराई, कितनी अच्छाई, क्या होता है, यही सब है फिल्म में। और सबसे बड़ी बात होगी कि आप इस फिल्म को देख करके सुखद अनुभूति करेंगे, सब परिवार देख सकते हैं, यही क्या कम है। भोजपुरी, आप उसको मान के चलिए कि भोजपुरी पहले रिलीज होगी और फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। सबसे पहले तो फिल्म बन जाए, अगर ऐसा लगेगा फिल्म बनने के बाद, क्या होता है कि हम बनाने तो चलते हैं लेकिन कभी कभी फिल्में बनाई जाती है, कभी कभी फिल्में बन जाती है। सही बात। वो कोई भी हो, हम इस बात को मानते हैं, भले 700 फिल्मों के राइटर हैं, 700 फिल्मों से ज़्यादा हम गाने लिख चुके हैं, 700 फिल्मों में हमारे गीत हैं, उससे ज़्यादा हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कभी अच्छी फिल्म बनाने जाओ और कोई ना कोई बात हो जाती है और फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी सोच के चले थे। और कभी कभी क्या होता है कि फिल्म हम लोग बनाते रहें और सोचते हैं कि चलो सो हो जाएगी, अब तो लोगों ने कोऑपरेशन नहीं किया, लेकिन बनते बनते पिक्चर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है और पब्लिक के पास उसको और बल मिल जाता है। तो क्या बनाने वाला थोड़ा सोचा था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी कि पुष्पा का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी? तो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है, माँ भी नहीं जानती ये पढ़ के DM बनेगा कि राजनीति में जाकर CM बनेगा या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन जाएगा, महात्मा बुद्ध बन जाएगा, भगवान महावीर बन जाएगा, बिरसा मुंडा बन जाएगा, ऐसे थोड़ी जानता है। इस फिल्म के अलावा जो आगे और आने वाले कुछ आगे फिल्में हैं वो हम जानना चाहेंगे जो आने वाले? देखिए, हमारी अभी फिल्म आएगी शीघ्रता के साथ, वो आएगी प्यार काहे बनाया राम ने। एक फिल्म हमारी और है तेरे संग, उसमें भी हमारा गीत संगीत है, वो फिल्म भी रेडी है, वो फिल्म भी आने वाली है। एक मेरी खुद की फिल्म है जिसमें
काम किया हूँ वो फिल्म है लोहा सिंह सरकार, वो भी रिलीज होने वाली है, उसका भी सारा काम लगभग संपन्न हो गया है। तो ये फिल्में इसी साल लॉन्च होंगी? हाँ हाँ, इस साल आ जाएंगी। इस साल कुछ ऐसी फिल्में हैं जो इस साल आनी ही आ जाएगी। उसमें मेरी चार फिल्में हैं जो आएंगी ही आएंगी। उसमें प्यार काहे बनाया राम ने, जिसके डायरेक्टर राजीव मिश्रा जी हैं, प्रोड्यूसर हमारे द्वय अमित सिंह जी और रितेश जी। इस कयामत में मैं पूरी फिल्म का संवाद लिख रहा हूँ, गीत संगीत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी इस कयामत जो फिल्म आ रही है उसके बारे में आप हमें जानकारी दी? देखिए, इस कयामत बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी, इमोशनल और सामाजिक फिल्म है। हमारे फिल्म में कहीं गंदगी नहीं है। इसका सर्टिफिकेट प्यार काहे बनाया राम ने, जो रिलीज होने वाले ही हैं, वो आपको दे देगा कि मेरी कंपनी कैसे फिल्म बनाती है। हम लोग जो भी बनाते हैं, माने एक होता है ना कि घर में देखा जाए, फैमिली के साथ देखा जाए, लेकिन उस रोमांटिक भी रहे, इमोशन भी रहे, और फाइट एक्शन जो भी रहता हो तो डालना ही पड़ता है, लेकिन साफ सुथरी फिल्म बनाते हैं। अक्सर देखा गया कि भोजपुरी फिल्म में जो है जिस तरह से प्रमोट किया जाता है वो अश्लीलता के साथ जो प्रमोट किया जाता है, क्या उसे बिल्कुल अलग होगी? एकदम अलग होगी। उसका सर्टिफिकेट आपको प्यार काहे बनाए राम ने से मिल जाएगा, फिर ये सवाल नहीं करेंगे। हम लोग जो भी बनाएंगे, साल में दो फिल्म बनाएंगे, लेकिन साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे। आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो ये फिल्म जो है दो भाषाओं में लॉन्च होने वाली, एक भोजपुरी में है और एक आपको जो है छत्तीसगढ़ी में, तो ये क्या ये दोनों एक साथ ही लॉन्च होगी दोनों भाषाओं में? देखिए, पहले या यूपी लगेगा, बिहार लगेगा, या फिर पहले हम लोग छत्तीसगढ़ लगाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ भी हम लगा दें और यूपी बिहार भी लगाएं, ऑल ओवर इंडिया लगाएं, समझ गए? तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बनेगा, वो अनुसार हम लोग करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक साथ ही दोनों जगह लगाएं। दर्शकों के लिए क्या कुछ नया रहेगा इस फिल्म में? मेरा हीरो ही नया है, छत्तीसगढ़ का सुपरस्टार मन कुरैशी, और एक काजल अगवानी जो भोजपुरी का सुपरस्टार है, तो नया ही है, नया करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस क़यामत जो है एक नया दिशा देगा भोजपुरी समाज को, और नया दिशा तो खैर प्यार क्या है बनाया राम ने से ही हम लोग का स्टार्टिंग है, बट ये एक नया फेस लेकर के हम लोग आ रहे हैं दर्शक को, क्योंकि दर्शक क्या है कि उलझ चुके हैं। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, बस एक ही फेस को बार बार देख रहे हैं, तो दर्शक के लिए कुछ नया हो। मूवी तो बनते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आता है तो दर्शक को भी आगे चल के मज़ा आएगा। बाकी स्टोरी, ये स्टोरी जो है इस फिल्म की जो स्टोरी है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है कुछ? ये स्टोरी जो है आपको अभी हम उसके बारे में ओपन नहीं करेंगे, सॉरी, आगे बता दिया जाएगा। जो भोजपुरी के दर्शक हैं, जो थिएटर तक अब परसेंटेज देखिए तो पहले की तरह जा नहीं पा रहे हैं, उनको खींचने का अपना प्रयास है। ये हम लोग भोजपुरी के लिए कुछ नया करने वाले हैं, और वन बाय वन करके जैसे मूवी आते जाएगा दर्शकों को दिखते जाएगा। आपके सवाल का जवाब भी आपको, दर्शकों को क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा? दर्शक को बिल्कुल नया चीज़ मिलेगा। ये जो टीम है U9, हम लोगों ने इस पर बैठ के काफ़ी गंभीर विचार किया, उसके बाद हमने इस टाइटल को दिया इसकी आमद, और छत्तीसगढ़ के हीरो और बिहार के सुपरस्टार काजल अगवानी जी, और वो भी छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार हैं मन कुरैशी जी। बहुत कुछ सोचने के बाद जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस फिल्म को हम लोग को दो भाषा में करना है, और फिल्म बिल्कुल साफ़ सुथरी और पारिवारिक फिल्म होगी। जो औरतें गांव देहात की फिर हॉल में आना छोड़ दी थी अश्लीलता के कारण, उसको अब हम लोग को वापस हॉल में लाना है। यानी फैमिली फिल्म लाना चाहते हैं? बिल्कुल फैमिली।